विकासखंड सिधौली में सबसे कम उम्र में प्रधान बन बनाया नया रिकॉर्ड। विकासखंड सिधौली की ग्राम पंचायत फिरोजपुर में विनय कुमार ने सबसे कम उम्र में प्रधान बनकर पूरे गांव का नाम रोशन किया। इस बार गांव की जनता ने गांव की बागडोर एक युवा के हाथ में थमाकर ये सिद्ध कर दिया है कि युवा ही देश को संभाल सकते हैं। हमारी टीम से बात करते हुए नव निर्वाचित प्रधान विनय कुमार ने बताया कि पहली बार ग्राम पंचायत की जनता ने एक युवा को विकास करने का मौका दिया है। वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रधान जी की कुछ बातें और उनके ग्रामीणों की कुछ बातें जो प्रधान ने कही और जो ग्रामीणों को प्रधान जी से उम्मीद है। स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी में। मैं आपको लेकर आया हूँ जनपद सीतापुर के तहसील सिद्धौ के लिए ग्राम पंचायत फिरोजपुर में, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान जी, जिनका नाम विनय जी है और ये ब्लॉक के सबसे छोटी उम्र के 29 वर्ष के हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको विजय को कैसा महसूस हो रहा है, ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भाई साहब, आप अपना पूरा अपने नाम बताइए। हमारा नाम विनय कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आपको विजय होकर कैसा महसूस हो रहा है? हमें विजय होकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आप विजय हुए हैं तो अब आप ग्राम प्रधान हैं, तो आप ये बताइए, युवा हैं क्योंकि अपने देश में युवा की सोच बहुत ही आगे है और देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा, और अब ये बताइए कि अपने गाँव के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ अपनी सोच बताइए। गाँव के लिए हम विकास करेंगे। अच्छा, कैसे विकास करेंगे, मतलब जैसे कि क्या सोचा है आप, क्या क्या करना चाहेंगे ये बताइए। अब जैसे आप अभी आए हैं खड़ंजा जी, जी या नाली आप देख हाँ, चुके बहुत हैं, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जी। उसको बनवाएंगे, सुधरवाएंगे। जैसे बच्चों की शिक्षा से, हालांकि अभी कोरोना चल रहा है तो इस पीरियड में तो अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं आया तो देखा था यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जो है वो टूटे फूटे ऐसे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या करवाएंगे आप बताएं। खैर, प्राथमिक विद्यालय की जहाँ तक बात है तो हमारे शासन स्तर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और जहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा पहले से अब अच्छी हो चुकी है। जो पहले बदतर थी वो थोड़ी थोड़ी सुधार अच्छे हो रहे हैं। काफ़ी विद्यालयों में आप देखिए टाइल्स लगे हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है ये थोड़ा अभी गुमराह इसलिए है क्योंकि अनपढ़, इनमें काफ़ी हद तक सुधार नहीं हो पाएगा। हम युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाएं हमारे प्राथमिक विद्यालयों में या उच्च विद्यालयों में। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जो 6 से 8 है। यहाँ नामांकन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, लेकिन इसमें जो है बच्चे विद्यालय कम जा रहे हैं, तो इसमें हम युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से संपर्क करें, उनको जागरूक करें कि अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, उनको पढ़वाएं। अब सरकार इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, आपको फ्री में जो है किताबें दे रही है, ड्रेस दे रही है, भोजन तक की दे रही है, आपको तो सिर्फ बच्चे को भेजना है इस हिसाब से। और हमारे ग्राम पंचायत में स्थिति रास्ते की बहुत ख़राब है, बहुत कंजेस्टेड रास्ता, आप जैसे चल के आए हैं देखे होंगे कि खड़ंजा भी उसी तरीके से लगा है जैसे पहले ज़माने में लगा हुआ करता था, नालियां उसी तरीके से टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, तो इन पे जो है मरम्मत कार्य करवाने की बहुत आवश्यकता है। और कोविड का इस समय जो बुरा हाल चल रहा किया है इसने, कोविड-19 ने, तो नालियों में इस तरह की गंदगी भरी पड़ी है जिसमें हम लोगों को ये यहाँ तक कि एक सफाई कर्मचारी ये सब काम नहीं कर सकता है इतने बड़े ग्राम पंचायत में। हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी, देखना होगा अपने अपने जो है दरवाजे पे नालियों को साफ सफाई भी रखनी होगी, जिससे जो है हमारे गांव में संक्रमण से बचा जा सकता है। अच्छा, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस पीरियड में आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कोरोना काल में हम ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि कम से कम घर से बाहर निकलें, आवश्यकता है तभी निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह शाम जो है वॉक करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है मेंटेन रहेगी
और हम स्वस्थ रहेंगे, हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रधान जी का आपने देखा ये, तो मैं इनके ग्रामवासियों से पूछना चाहूंगा कि अपने जो प्रधान जी हैं इनके बारे में ये क्या सोचते हैं और ये क्या उम्मीद करते हैं। जैसा कि आपके जो प्रधान जी हैं जिनका नाम विनय जी है, जो कि पूरे ब्लॉक में सबसे छोटे हैं, तो युवा हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये अपने ग्रामवासियों के लिए क्या करेंगे? सर ये अपने हिसाब से हमसे छोटे हैं खुद में, इनको हमने सबको मिलके जिताए, ग्राम सभी जितने पूरे हैं सब मिलके जिताए हैं कि हमारा काम करेंगे, हर चीज नाली है, हर चीज कोई भी काम है कि अच्छा काम करेंगे, कोई भी आतलग हो गया है, कोई काम सही नहीं हो रहा है, उसके लिए हम सबको मिलके जिताया है सर। आओ आगे बढ़ के अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिसमें विश्वास होता है उसी से काम करेंगे सर। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी आप अपने गांव में आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है और जो आप उम्मीद रखते हैं प्रधान जैसे कि वो काम अब होगा? उसका उम्मीद हमारा ये है कि हमारा उम्मीद है, हम एक प्रधान को जिताए थे पहले पिछले वर्ष में, हमने उनसे बोला हम तुमको सबको जिता देंगे, हमारे गाँव में स्टेडियो बनना चाहिए मैच वाला, उसने कई बार उनको हमने किया, उसने नहीं बनवाया। अब खेल कूद का मैच वाला, हम उस टाइम बहुत खेलते, अब नहीं खेलते हैं, उस टाइम को बोला, उसने 6 साल हो गए उनके, अब उसने बनवाया नहीं। अब ये रास्ता ये फिरोजपुर ग्राम सभा काजी को लगता है, इसकी हमारे फिरोज से काजी कोले से पक्की रोड जुड़ना चाहिए, हाँ इस उम्मीद से कि रास्ता फिरोज दो गाँव लगते हैं, दो गाँव में कि आने जाने में दिक्कत ना हुई, कि राशन वही मिलता है, कोई लाता है, बीच में नाली है, वो नाल निकला हुआ है तो उसमें बारिश होती है फिर खराब हो जाता है, कि सुधर से मरम्मत हो जाए, तो पक्की बन जाएगी रोड तो दिक्कत नहीं आने जाने में। तो जैसा अभी आप प्रधान जी आपके जो है आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या क्या करेंगे? हमारे तो उम्मीद बहुत इनसे। चाचा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरसी गौड़ एडवोकेट है। अच्छा आप कहाँ के निवासी हैं? यहीं गेसी ग्राम के। गाँव का नाम? काजी कोला। काजी कोला। आपके प्रधान जी जो हैं बने हुए हैं जी, हाँ। अभी युवा हैं जी, हाँ। तो आप इनके विषय में कुछ बताएंगे हमें? हाँ बहुत कुछ बताएंगे जी, बताइए। हम लोग इस उम्मीद से प्रधान को जिताया है कि हमारे गांव में जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है इस पे ध्यान दिया जाए, जो दोपहर में भोजन बनता है इस पे विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सही है। और बहुत से लोगों के पास मकान नहीं जी, उनको पहले मकान मुहैया कराया जाए और शिक्षा व्यवस्था जब दाखिला हो तो इनको घर घर जा करके बच्चों का दाखिला कराए, ये मेरी इनसे उम्मीद है। शिक्षा स्तर में जो है थोड़ा विशेष ध्यान दिए, विशेष ध्यान दिया जाए। और जो शिक्षा समिति का मेंबर जो है वो शिक्षित होना चाहिए। जी तो आप प्रधान जी से जैसे कि क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो पूरी उम्मीद रखे हैं, हमको भरोसा है ये सारा काम ही करेंगे। तो ये तो रही हमारे पुरुषों की बात, अब हम चलते हैं महिलाओं के पास और उनसे जानते हैं कि वो प्रधान जी के बारे में क्या सोचती हैं और क्या नहीं। तो मैम आपका क्या नाम है? उर्मिला जी, आप कहाँ की निवासी हैं? हम तो निवासी यहीं के हैं लेकिन हम रहते लखनऊ में। अच्छा अच्छा, प्रधान जी के बारे में क्या आपको क्या लगता है, क्या वो आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी उतरेंगे जी। आप उनसे क्या उम्मीद रखती हैं? हमारी इनसे बहुत उम्मीद है। जैसे? जैसे रोड बनवाना है, नालियां साफ करना करवाना है, बच्चे की शिक्षा है, बहुत उम्मीद है। अच्छा अभी मैं आपके जब गाँव में था सब लोगों ने यही कहा है कि शिक्षा को लेकर क्या मतलब इधर क्या स्तर है शिक्षा को लेकर, आप कुछ बताएंगी हमें? अरे स्कूल बच्चे जाते हैं इधर उधर घूमते हैं, टीचर ध्यान भी नहीं देती है, सही खाना भी वाना नहीं बनता है। अच्छा। और शिक्षा को लेकर सर एक अहम बात ये है कि अभी हम काउंटिंग में गए थे तो उसमें देखा कि लगभग 90 दोनों गांवों में लगभग 1411 वोट पड़ी थी जिसमें से 90 वोट जो है रिजेक्ट थी। अच्छा। जिसमें मोहर की बजाय अशिक्षा का कारण है, जिसमें मोहर की बजाय लोग अंगूठा ही लगा दिए हैं या कुछ लोग ऐसे ही बैलेट पेपर डाल के चले आए हैं, तो इसका मेन कारण यही है कि ये अशिक्षा, जितने शिक्षित लोग हैं जितने थोड़ा बहुत जागरूक हैं वो सभी लोग मोहर का प्रयोग किए हैं और वो लोग अंगूठे का प्रयोग किए हैं क्योंकि वो अंगूठेबाज हैं, उनको ये लगता है कि हमारे अंगूठे की अहमियत है, उनको ये नहीं लगता है कि हमें शिक्षा की जरूरत है। इसी के साथ नव निर्वाचित प्रधान विजय कुमार ने उप विजेता रहे अपने प्रतिद्वंदी सिया राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर समाज में एक नई मिसाल कायम की। आपको बताते चले कि बीमारी के चलते ग्राम पंचायत फिरोजपुर के प्रधान पद प्रत्याशी सिया राम की मृत्यु मतगणना वाले दिन ही हो गई थी, इसलिए नव निर्वाचित प्रधान विनय कुमार ने अपने जीत का जश्न न मनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी मृत्यु को सामाजिक क्षय बताया। उन्होंने बताया कि चुनाव में पक्ष विपक्ष होते रहते हैं परंतु हमें अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए, जिसके चलते हम सब लोगों ने स्वर्गीय सियाराम जी की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। पंचायत में एक ट्रेजेडी हो गई है जो हमारे
कह सकते हैं कि वो हमारे उप विजेता रहे हैं स्वर्गीय श्री सियाराम जी। वो हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं जिनसे हम 37 वोटों से विजयी हुए हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी जो है काउंटिंग के जो है जस्ट कुछ घंटे पहले उनकी डेथ हो गई, जिससे हम लोग जो है बहुत दुख हुआ हमको। और उसके चलते हम लोग विजय तो ज़रूर हुए, लेकिन विजय का जो है कोई हमें एहसास नहीं हुआ है कि हम विजयी घोषित हुए हैं। ना हम लोगों ने लड्डू बांटे हैं, ना तो हम लोगों ने जो है माला से स्वागत किया है किसी का, ना ही तो हम पटाखे उठाके हम लोग गए उनके जो है अंतिम संस्कार के। उसके बाद कल हम शाम को एक शोक सभा रखे थे जिसमें हम हमारी ग्राम पंचायत के लोग आए और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। और हम उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने जो है चरणों में स्थान दे श्री स्वर्गीय सियाराम जी को।